माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि श्री माननीय दयाशंकर सिंह जी का, जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं, परिवहन मंत्री हैं, स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र आदि द्वारा सम्मान से आप अतिथि महानुभावों का सम्मान सत्कार और अभिनंदन कर हम निश्चित ही कृतार्थ हुए हैं। स्मृति चिन्ह द्वारा सम्मान और अभिनंदन किया जा रहा है माननीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी का। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर आलोक राय साहब, आप सबका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। और मैं तो आप हम लोग के गौरवान्वित होने की बात देखिए, एसपी सुगोयल साहब ने आज कहा कि उन्होंने सभी बैचमेट को बताया कि जब हम लोग को नेट में भाई प्लस प्लस मिला ए प्लस, तो कितना, तो आज लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत गौरवान्वित हो रहा है। इसकी सीमाएं भी, पहले तो 17 किलोमीटर में लखनऊ विश्वविद्यालय था, आज बीसी साहब ने इसकी सीमाएं भी बढ़ा दिया, हम लोग के कुनबा भी बढ़ रहा है और यूनिवर्सिटी को आज पूरे दुनिया में लोग इसको जानने लगे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय भी कोई है। इन्होंने आईटी का भी बहुत जो है इस्तेमाल किया। और आज जब मैं सुबह में, हम तो राजकोट में थे, तो ये था कि कार्यक्रम है, तो मैंने कहा कि सब पार्टी का काम छोड़ के मैं इसमें आऊंगा। मैं सबसे पहले अभी धन्यवाद दूंगा अपने जोगेंद्र उपाध्याय जी जो आज यहाँ पर मौजूद हैं और इनके कंस्टिट्यूएंसी में माननीय जोगी जी मौजूद हैं। अभी जोगी जी वहां भाषण दे रहे हैं, ये यहाँ भाषण देंगे अपने कंस्टिट्यूएंसी को छोड़ कर। मैं इसलिए आज सभी नेता, हमारे सभी नेता आज कहीं ना कहीं बने, चाहे गुजरात के चुनाव में व्यस्त हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के उस कार्यक्रम में, आज कैबिनेट की बैठक में भी आप नहीं थे, तो क्योंकि उसको छोड़ करके आज जोगेंद्र उपाध्याय जी लखनऊ विश्वविद्यालय में आए, मैं इनका इसके लिए हार्दिक स्वागत। और आज कैबिनेट में जब हम लोग मैटर जब खत्म हो गया, मेरे भी 3 मैटर थे, उसके बाद मुझे जोगी जी तो मैंने कहा कि सर आज मेरे तो विश्वविद्यालय का फाउंडेशन डे, क्योंकि फिरोजाबाद में भी आज मुख्यमंत्री जी को रहना, मैं वहां के इंचार्ज, तो मैंने कहा कि आज एसपी गोयल साहब को हम लोग जो है सम्मानित करने वाले। मैंने कैबिनेट में ही कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय आज, तो बोले अरे लखनऊ विश्वविद्यालय के पढ़े हुए, हमने कहा हाँ। तो अब आप ये बताइए, 6-5.5 साल से ज्यादा समय से, 5 साल 8 महीने से ये पूरे सरकार चला रहे हैं गोयल साहब, पूरे उत्तर प्रदेश इनके हाथों में, जो भी इनके पास तो ये अब आप ये समझिए लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं। और चीफ सेक्रेटरी साहब भी, मैंने संयोग बस मैं जहाँ तक इंटरमीडिएट पढ़ा हूँ वहाँ के वो पढ़े हुए हैं, अपने दुर्गा शंकर मिश्रा जी, मैंने बलिया में वो पढ़े इंटरमीडिएट तक जो है, तो आज वहाँ पर भेजे। मैं इसलिए आज योगी जी ने मुझसे कहा, बोले अच्छा ठीक है, तो सम्मानित करने वाले तुम लोग विश्वविद्यालय के लिए क्या करते हो। तो आप लोग भी विश्वविद्यालय के लिए करो, आप लोग उस विश्वविद्यालय से निकल कर कितने गलत अच्छे करके जो भी किए हो, आप सब के कहना चाहता हूँ कि भाई बीसी साहब को पूरी उनकी टीम लगी हुई है विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में। बीसी साहब आदेश करिए, देखिए किसी के 2 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे हो, कितना अपने उस परिवार को आगे बढ़ा दे, आपके तो हजारों लाखों बच्चे हैं, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, तो हम लोग हर तरह से तन से मन से धन से इस विश्वविद्यालय के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। भाई हम लोग सब पूरे प्रदेश के लिए करते हैं, तो हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए थोड़ा विशेष करेंगे, थोड़ा अपने परिवार के लिए आदमी थोड़ा विशेष करता है, उसी तरह से हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए भी कुछ विशेष करेंगे। आप केवल हम लोग को निर्देशित करिए, तो मैं क्या, मेरे भाई दो दो डिप्टी सीएम, पहले वाले डिप्टी सीएम आपके छात्र थे, वर्तमान वाले डिप्टी सीएम आपके छात्र हैं,
पूरे देश, अभी उसके पहले वाले जो सेक्रेटरी साहब थे वो भी आपके छात्र थे, राजीव कुमार जी आपके भाई, पूरे देश को मोदी जी पैसा जिसके द्वारा दिलवाते थे, राजीव कुमार जी वो भी आपके छात्र, तो आपके आपके इतने बड़ा कुनबा है, उस कुनबा का इस्तेमाल लखनऊ विश्वविद्यालय के विकास में आप करिए, हम सब करेंगे, हर तरह से आपके साथ रहेंगे। देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ता है, ऋतुराज अवस्थी जी हैं ये चीफ जस्टिस थे कर्नाटक के, आप ये बताइए कोई जज से डायरेक्ट बात कर सकता है? लेकिन मैं आपसे चीफ जस्टिस कर्नाटक से तभी मैं फोन पर बात कर लिया, क्यों कर लिया कि लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं छात्र, राजीव जी बैठे है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो क्या भाई लेकिन विश्वविद्यालय के लिए अलग है भाई, क्योंकि जब विश्वविद्यालय में जब आदमी आता है कितना देखिए भाव उछल हो जाता है, तो आदमी यहाँ के लिए विशेष है। तो कुलपति ने एक नई पहल शुरू की है, जब से आए हैं तब से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनकी पूरी टीम को योगदान है, तो हम लोग का भी इसमें बनता है, आप जहाँ आदेश करेंगे जिस रूप में आदेश करेंगे हम लोग सदैव आगे खड़े रहेंगे। मैं क्योंकि सब देखिए यहाँ पर के माना नहीं जा रहा है, क्योंकि सब जब जस्टिस भी हैं, आईएएस भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, ये विश्वविद्यालय कैंपस इसमें नहीं माना जाए। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, एक बार न्यू कैंपस की बात, न्यू कैंपस जब बन करके बहुत तैयार हो गई, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है सर कि इतनी शायद बहुत कम लोगों पर होगी इतनी अच्छी बिल्डिंग, लेकिन वो जब बिल्डिंग बन गई उसके बाद जो उसकी उधर की बाउंड्री है नहीं बन रही थी, क्योंकि किसान यूनियन वाले आकर के उसमें खेती करते थे और वो बनने नहीं देते थे। एक बार 15 अगस्त था, झंडा वंडा रोहण हो गया, तो हमने किसी साथ से कहा अब आप चले जाइए, और उसके बाद हमने छात्रों से कहा कि थोड़ा चलो उधर, तो ये सब नहीं बनने देते हैं, हमने कभी विश्वविद्यालय में 40,000 छात्र थे और उसी दिन भाग गए, उसके बाद उसकी बाउंड्री बन गई, तो इसलिए आप विश्वास भी करेंगे उसको रोक करके वो खबर लिख लगवा देते हैं। तो बहुत सारे जगहों पर हम लोग को मैंने विश्वविद्यालय के रहने के नाते लाभ मिलता, बात हम लोग यहाँ पर मंत्री है तो ऐसे नहीं है, सबका इसमें योगदान, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं मदद किया तब मंत्री है, इसलिए आपको भी पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है हम लोगों से पूरा काम लेने, हर तरह से काम लीजिए। मुझे मालूम नहीं था कि परिवहन विभाग में लखनऊ विश्वविद्यालय वाले कितने हैं, लेकिन जब से मैं मंत्री बन गया तो मुझे पता चल गया, मैं जहाँ जाता हूँ धीरे से बताते हो कि मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का हूँ, तो भाई फिर उसके लिए तो मैं फिर थोड़ा नरम हो जाता हूँ। और कितना होता है, अभी कल की बात बता, कल मैं राजकोट से वहां पर आया, क्या नाम है इलाहाबाद, कल जोगी जी उसके भाग के लिए बैठक किए थे, उसमें परिवहन विभाग में था, मैं भी गया, वहां मिल गए आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो अपने परिवारिक कार्यक्रम से आए थे, तो उसी वीआईपी लाउंज में वो थे और हम भी उसी में घुसे, तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो थोड़ी देर बैठे रहे, बोलने लगे कि दयाशंकर तुम लखनऊ विश्वविद्यालय में कब थे, देख वो लखनऊ विश्वविद्यालय के पढ़े थे, कितनी एक फीलिंग्स जो होती है, उन्होंने केवल हमसे यही पूछा लखनऊ विश्वविद्यालय में तुम कब थे, तो कितने लोग मिलते हैं कहीं भी, जो विश्वविद्यालय का नाम जब जुड़ जाता है तो हर तरह के सपोर्ट मिलता है, और आज मैं यहाँ करके सच में आज जब विशेष साहब ने कहा कि तुम्हें भी आना है, मैंने कहा कि सर ये तो मेरे लिए मैंने बहुत सौभाग्य की बात है, आपने अवसर दिया और सदैव आप सबके लिए, मैं सोचती हूँ विश्वविद्यालय में आता हूँ तो मुझे वही दिन सब याद आता है, और फिर सोचता हूँ कि आज कहाँ हूँ, पहले कैसे था, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, आप सबने प्यार दिया, स्नेह दिया, मैं इसके लिए जीवन भर आभारी रहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। Gracias.
राजकोट जम गया हमारे हाँ बोल सुनो एक दिन देखा बहुत प्रभावित किया मेरी इधर गाड़ी सर सर अपना हाथ आगे हेलो हेलो आओ निशान देखिए चल के मिला जाएगा दिन अपना भी देखा है मॉडल वाला काम कर दिया कर दिया बहुत समझदार अब आप बताइएगा कोई करने वाला हो कोई वो अकेला हो ला हो तो भी बता दीजिए अरे देखना मेरे है।